खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। जनपद अंबेडकर नगर के थाना जयतपुर अंतर्गत मृतक जितेंद्र कुमार गुप्ता शोभा गुप्ता निवासी मुस्तफाबाद नेवाडा बाजार की तरफ साइकिल पर सवार होकर आ रहा था। इतने पर मोटरसाइकिल पर सवार उसकी पत्नी के प्रेमी अरुण कुमार गुप्ता जो कि मृतक के बुआ का लड़का ने गोली मारकर हत्या कर दी। पूरे क्षेत्र में इस हत्या से सनसनीखेज फैल गई है। खबर पाते ही अपर पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार मिश्र एवं पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी मौके पर घटनास्थल पर पहुंचे। मृतक जितेंद्र गुप्ता के 3 बच्चे हैं, उनकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी। उनकी पत्नी शाहगंज के कमरे पे किराए पर रहकर प्रेमी अरुण से मिला करती थी। 10 दिन पहले अपने ससुराल बाद में रह रही थी। पति और पत्नी में विवाद कई दिनों से चल रहा था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रेम प्रसंग का मामला है। सर, एक हत्या हुई है, क्या है पूरा मामला? अभी थाना जयपुर को सूचना प्राप्त हुई कि जयपुर थाने से थोड़ी दूर पे मेन रोड पे एक जितेंद्र नाम के व्यक्ति अपने घर से साइकिल पर चले आ रहे थे। तभी साथ में उनके चलता हुआ कोई मोटरसाइकिल सवार आया, उनसे थोड़ी देर बात करते हुए चलता और फिर उसने उनको गोली मार दी। ऐसा वहाँ मौके के लोगों ने जो प्रत्यक्षदर्शी उन्हें बताया। घटना की जानकारी करने पर पता चला कि उनका जो मृतक है उनका अपनी पत्नी से डिस्प्यूट चल रहा था और उनकी पत्नी उनके साथ नहीं रहती थी, किसी एक और उनके रिश्तेदार उनके साथ रहती थी और संभवतः उनसे उन्होंने शादी भी कर ली थी। और जो तहरीर प्राप्त हुई है उनके बेटे ने तहरीर दी है, उसमें उन्होंने मृतक की पत्नी को मतलब अपनी माँ को और उनके जो तथाकथित प्रेमी हैं दोनों को आरोपित किया है और घटना की छानबीन करके इसमें अग्रिम कार्रवाई कराई है। सर, उनके परिवार वाले से कुछ पूछताछ है और जानकारी कुछ? उनके उनकी बेटी से बातचीत हुई है, उनकी बेटी ने भी इस बात को तस्दीक किया है कि उनकी माँ के रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं थे अपने पिताजी के साथ। और उन्होंने ये भी बताया है कि जो जिस व्यक्ति के साथ उनका रहना था उस व्यक्ति ने अभी कुछ दिन पहले धमकी भी दी थी फ़ोन पे। जो लड़की ने सुना था उसने कहा था कि मैं तुम सब लोगों का जीना हराम कर दूंगा, तुम लोगों को ठीक से जीने नहीं दूंगा, ये बात उसने बताई है। और बच्चों ने भी बाकी बच्चों ने इस बात की तस्दीक की।